चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस जो अब भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपनी मौजूदगी दो गुनी कर चुकी है, अब अपने नए फोन 5T के साथ बाजार में उतरी है। 5T के लॉन्च के साथ वन प्लस बेजललेस स्मार्टफोन्स के निर्माताओं की लीग में शामिल हो गया है। इस फोन के डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 18:9 है और फ्रेम ज्यादा लंबा और चौड़ा है। इस फोन के दो मॉडल्स हैं, एक में 6GB रैम है और 64GB इंटरनल मेमोरी है, जिसकी कीमत 32,999 है, और इसके दूसरे मॉडल में 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है और इसकी कीमत 37,999 है। इस फोन में सैमसंग का 6-इंच का अमोल डिस्प्ले लगा है, जिसके बेजल्स काफी पतले हैं। फोन के सॉफ्ट नेविगेशन कीज और पतले बेजल्स प्रशंसनीय हैं। यह फोन लगभग वन प्लस 5 के समान है, पर उससे ज्यादा मोटा, लंबा और चौड़ा है। इस फोन के अलर्ट स्लाइडर बटन इसे खास बनाते हैं। अलर्ट स्लाइडर बटन के इस्तेमाल है, आप फोन को रिंग, साइलेंट और डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल सकते हैं। यह फीचर आईफोन के यूजर के लिए काफी मददगार साबित होगा। OnePlus 5T में 16MP और 20MP का ड्यूअल कैमरा सेटअप है, जो कम रोशनी में भी अच्छी तस्वीरें लेने में मदद करता है। यह OnePlus 5 के टेलीफोटो लेंस से एक महत्वपूर्ण अपग्रेड है। फोन के कैमरा ऐप से आप ब्यूटी, HDR, HQ, पोर्ट्रेट, स्लो मोशन, प्रो मोड, टाइम लैप्स एंड पैनोरामा मोड्स में तस्वीर खींच सकते हैं। इसका 16MP फ्रंट कैमरा स्क्रीन फ्लैश के साथ अच्छी सेल्फीज लेने में मदद करता है। इस कैमरे में भी HDR और ब्यूटी मोड उपलब्ध है। 5T का बैटरी OnePlus 5 जैसा है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। औसत इस्तेमाल करने पर फोन की बैटरी पूरे दिन चलती है। OnePlus डैशिंग चार्जिंग फीचर के परिणाम काफी प्रशंसनीय है और हम एक बार में 65% बैटरी चार्ज करने में कामयाब रहे। इस फोन के साथ OnePlus फेशियल अनलॉकिंग फीचर देने वाले फोन की श्रृंखला में शामिल हो गया है। इसका फ्रंट कैमरा 100 पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद फोन अनलॉक कर देता है और यह काफी अच्छा काम करता है, सिवाय कम रोशनी में। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफी जल्दी फोन अनलॉक कर देता है। फोन एंड्रॉयड 7.1.1, नोगा ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑक्सीजन OS 4.7 पर चलता है। OnePlus के इस फोन में OnePlus 5 की तरह जली स्क्रॉल इफेक्ट नहीं देखा गया है। इसकी 3300 mAh बैटरी OnePlus 3T की तुलना में 100 mAh कम है। फोन के साथ एक और निराशाजनक बात यह है कि Android Oreo को आए हुए 4 महीने हो गए हैं, पर फोन में Android 7 नोगा ही दिया गया है। फोन की कीमत और इसके प्रतिद्वंदियों जैसे कि Samsung Galaxy S8, Google Pixel 2 और Pixel 2 XL को मद्देनजर रखते हुए हम इस फोन में बेहतर वेदर प्रूफिंग आशा कर रहे थे। हालांकि OnePlus 5T कुछ हद तक पानी के प्रभाव को झेल सकता है, पर ये IP रेटेड नहीं है। Honest Report। Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.